And welcome to learners of YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज और जल्दी जल्दी और फटाफट हम इसको कवर करेंगे. देखिए जो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आजकल अवेलेबल हैं वो हैं आपके मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस, रिंग, ट्री एंड हाइब्रिड टाइप के टोपोलॉजीज. टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है फ्रेंड्स, ये लेआउट होते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क को हम एक नेटवर्क में जोड़ सकते हैं. तो वेरियस फॉर्म्स इसके लिए अवेलेबल हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज. देखिए बस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है जिसमें एक सिंगल वायर होती है और डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इसके इर्द गिर्द अटैच किए जाते हैं. रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से एडजेसेंट कनेक्टेड होते हैं, यह है रिंग टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में सेंटर में हब कनेक्ट किया जाता है और हब से डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, तो ये सेंट्रल पॉइंट है. एक्सटेंडेड स्टार में हम स्टार को और एक्सटेंड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट हब्स जो को आपस में कनेक्ट करके अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं. देन हायरार्किकल फॉर्म, लाइक ये कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे हब हमने कनेक्ट कर दिया, उससे दूसरे हब कनेक्ट कर दिए और साथ में हमने डाउन में हमने डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को अटैच कर दिया. मैश टोपोलॉजी में सारे सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारी वायर्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख ही रहा है. तो ये डिफरेंट तरीके से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं. तो थोड़ा सा इनको हम डिस्कस कर लेते हैं. मैश टोपोलॉजी में अभी हमने देखा कि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो बहुत सारे वायर्स हमें चाहिए होते हैं और एक नोड मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ कितने वायर अटैच होंगे, n-1 मतलब अगर 10 कंप्यूटर अटैच्ड हैं एक टोपोलॉजी के अंदर तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में 9 वायर्स अटैच होंगी, ठीक है, ताकि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सके. इसमें फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में अगर हम बताना चाहें कि ओवरऑल कितने फिजिकल वायर्स का हम यूज़ करना पड़ेगा तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि n(n-1)/2. ये फार्मूला आपको नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड चैनल्स निकाल कर देगा. आगे हम देखते हैं मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज है. एक तो सारे सिस्टम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ट्रैफिक जो है इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब लोग कभी भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सिक्योरिटी रहती है, प्राइवेसी रहती है क्योंकि सब एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक है तो इन बिटवीन किसी और दूसरे सिस्टम का हमें यूज़ नहीं करना पड़ता मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए. ये फॉल्ट टॉलरेंट है, अगर एक सिस्टम आपका ख़राब हो गया है तो हम दूसरे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और सिस्टम को जोड़कर आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैश टोपोलॉजी इस टाइप की दिखाई देती है, तो देख लीजिए सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली. अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेजेस, इसमें बहुत सारे केबल्स, बहुत सारे वायर्स का आपको यूज़ करना पड़ता है, बहुत तो बल्क में आपको यूज़ करना पड़ेगा, बल्क स्पेस आपको चाहिए होगी क्योंकि तो काफ़ी मैसी हो जाता है ये, इसलिए इसका नाम भी मैश टोपोलॉजी है. दूसरा आपको बहुत सारे हार्डवेयर्स और की का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हर एक डिवाइस के साथ आपने सारे डिफरेंट केबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है ये टोपोलॉजी. देन एप्लीकेशंस स्पेशली टेलीफोन एरियाज में, टेलीफोन में हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ता है तो वहाँ पर इसका यूज़ है. साथ ही वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है. अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में मैंने आपको शो किया था फ्रेंड्स, बीच में एक हब होता है, हब से सिस्टम्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो आपस में अगर किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होना है या कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो वो सारा मैसेज हब के थ्रू होकर जाएगा. तो स्टार टोपोलॉजी में जो एडवांटेज है, लेस केबलिंग होती है, मतलब कम केबल्स में काम चल जाता है, रोबस्ट है. अगर कोई सिस्टम ख़राब हो रहा है तो उस सिस्टम को रिमूव कर दीजिए और नया सिस्टम उसकी जगह आसानी से अटैच कर सकते हैं. प्रॉब्लम तब आती है फ्रेंड्स इसमें, अगर हम हब ख़राब हो जाए तो पूरी टोपोलॉजी बिल्कुल फेल हो जाएगी, डिस्ट्रप्ट हो जाएगी, तो टोटल डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे हब के ऊपर. तो अगली जो इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हाई स्पीड लैन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट होती है, एक सिंगल वायर में मल्टीपल पॉइंट्स दिए जाते हैं, पी स्विचेस जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट लाइक ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये टी स्विच से यहाँ पे कनेक्ट होगा,
और अपना मैसेज ये इस लाइन पे ड्रॉप करेगा और जिस रिस्पेक्टिव सिस्टम के लिए होगा ये वहाँ तक डायरेक्टली वहाँ से पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर एडवांटेज तो ये है कि हमें एक तो वायरिंग कम यूज़ करनी पड़ी है, एक सिंगल जो वायर है उसे डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम आपके अटैच हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम इसमें यही आती है अगर ये वायर ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी डिस्टरप्ट हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना हो मैसेज तो डिफ़िकल्टी हो जाती है क्योंकि हम एक ही वायर में ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। एक और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक समय पे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन इसमें हो पाता है, लाइक एक कंप्यूटर अगर किसी दूसरे सिस्टम को मैसेज भेज रहा है उस समय पे कोई दूसरा कंप्यूटर किसी नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम को मैसेज नहीं भेज सकता क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिंगल वायर से वो लोग का मैसेज ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी में कम्युनिकेट करने के लिए हमें डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं दूसरे मैसेज दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर डायरेक्टली, बट यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज क्या होती है फ्रेंड्स कि डिफ़िकल्ट होता है इसको रिकन्फिगेशन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर वो एक सिंगल वायर ख़राब हो जाती है तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। एडवांटेज है ईजी इंस्टॉलेशन होती है और लेस केबलिंग होती है। रिंग टोपोलॉजी में डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में एडजेसेंट कनेक्टेड होते हैं, लाइक अगर एक कंप्यूटर को मैसेज ट्रांसफ़र करना है दूसरे कंप्यूटर से तो वो डिफरेंट कंप्यूटर जो इन बिटवीन पाथवे में होंगे बीच में जो होंगे उन सब से वो मैसेज ट्रांसफ़र होकर जाएगा तब अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर सिस्टम तक वो पहुँचेगा। रिंग टोपोलॉजी में ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है अगर हम दो केबलिंग दो नेटवर्क वायर का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये यूनि डायरेक्शनल होता है क्योंकि एक टाइम पे आइदर लेफ्ट टू राइट चलेगा क्लॉकवाइज चलेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसमें मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी ये बाई डायरेक्शनल मैंने आपको शो कर रही हूँ जिसमें एक रिंग बाय एंटी क्लॉकवाइज मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरा क्लॉकवाइज मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, तो एक प्राइमरी रिंग है और एक सेकेंडरी रिंग की तरह काम कर रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी में एडवांटेज है एक तो ये इजी टू इंस्टॉल है, आसानी से हम इसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर कोई सिस्टम ख़राब हो गया है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। डिसएडवांटेज है एक तो यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक है तो एक समय पर ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्शन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और अगर सिंगल वायर ब्रेक हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क डिस्टरप्ट हो जाता है। इसको हम अप्लाई करते हैं स्पेशली लैन को इस्टेब्लिश करने में। रिंग टोपोलॉजीज ऑफिसेज और स्कूल कैंपसेस के लिए ठीक रहते हैं, मतलब कम कॉस्ट में आपको एक अच्छा नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करती है। दैन है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी भी स्टार टोपोलॉजी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को इस फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में अभी तक जितनी टोपोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस करी उन सभी टोपोलॉजीज़ को हम एक बैकबोन जो सिंगल वायर यहाँ आपको दिख रही है बैकबोन हमने इसको कहा है बैकबोन केबल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्टार टोपोलॉजी लिया है, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये एक हायरार्किकल टोपोलॉजी दी है, बस टोपोलॉजी, अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी को हमने इस सिंगल केबल से कनेक्ट किया है, तो ये एक हाइब्रिड एक सिंगल हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरह काम करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बट जहाँ पर रिक्वायरमेंट है स्मॉल लैन एस्टैब्लिश करना है वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो मनी वाइज अगर हम देखेंगे तो बस नेटवर्क में लीस्ट एक्सपेंसिव है, कम कीमत पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर लेंथ वाइज देखा जाए लेंथ ऑफ केबल में देखा जाए तो हम लोग लीनियर बस को बेटर मानते हैं। देन अगर केबल का टाइप हम देखें तो मोस्ट कॉमनली यूज जो केबल है वो ट्विस्टेड पेयर यूज़ होती है स्टार टोपोलॉजीज के साथ। नेक्स्ट, फुल मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को हम स्पेशली लैन को इस्टेब्लिश करने में या ऑफिसेज एरियाज में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।